एमएनएस न्यूज लाइव पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अगस्त में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, रणनीति बनाने में जुटी प्रियंका गांधी, सफल नहीं होंगी भाजपा की चाल। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। अगस्त में आएंगी कोरोना की तीसरी लहर, कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर कब आएंगी इसे लेकर एसबीआई की रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस नई रिपोर्ट ने दावा किया है कि अगले महीने ही कोरोना की तीसरी लहर आएंगी। इस रिसर्च में दावा कोरोना के अब तक के ऐतिहासिक ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कोरोना की अब तक की आई लहरों को ध्यान में रखते हुए यह दावा किया गया जा रहा है। यह दावा लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर तैयार रहने और रणनीति बनाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अगस्त 2021 में आएगी। सीबीआई द्वारा की गई रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में तेजी सितंबर 2021 में देखी जाएगी। देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले मई में सामने आए, जुलाई के दूसरे सप्ताह में संक्रमण के मामले में कमी आई। दूसरी खबर, रणनीति बनाने में जुटी प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने इन दिनों युद्ध स्तर पर अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इस कड़ी में कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक रणनीति के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रही है। यूपी में जमीन खोती कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा कदम साबित होगा। हालांकि अहम बात यह है कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। पार्टी महासचिव प्रियंका ने सूबे की राजधानी लखनऊ और मथुरा के प्रशिक्षण शिविरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। तीसरी खबर, सफल नहीं होंगी भाजपा की चाल। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज्य को इसका 11वां मुख्यमंत्री पुष्कर सिन्हा धामी के रूप में मिला। यह कहा गया है कि अगर भाजपा चाहती तो तीरथ सिंह रावत को किसी भी सीट से चुनाव में उतार सकती थी। इस तरह से वह चुनकर विधानसभा में आते और मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, लेकिन भाजपा ने संवैधानिक नियमों का हवाला देकर उन्हें केवल इसलिए चुनाव में नहीं उतारा कि इसे एक नजीर के तौर पर पेश कर वह आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी चुनाव में जाने से रोक सकती है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव हार गई है। उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 4 नवंबर से पहले 6 महीने के अंदर किसी एक सीट से चुनाव जीतना होगा। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।